So, hello everyone, how are you all guys? I hope that we are live over here right now. जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या हम लोग लाइव है या नहीं है. Yes, everyone, are we live? Yes, we are live over here. अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट से, अटेंडेंस लगा दीजिए फटाफट से. कम ऑन एवरी वन ओवर हियर, शुरुआत करें देन. तो आज वो घड़ी आ चुकी है जहां पर आज हम लोग मार्केट्स का रिवीजन करने वाले हैं. एंड मार्केट्स इज वन ऑफ द सच चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड यस गाइस, आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर इसको 60% 70% तो भी आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हम लोग पूरी मेहनत लगाएंगे, ठीक है. आपको देना होगा साथ, आपको यहाँ पर बातें नहीं करनी है. एंड आई होप दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग द मैराथन सेशंस ओवर हियर. सो लेट द मैजिक बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चा पार्टी खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप में और हमारा ये मार्केट्स का चैप्टर, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रिविजन्स करने वाले हैं. सो चलिए शुरुआत करते हैं. गुड 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 आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है. आप प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट ना कीजिए कि मैं आप लोगों के इंडिविजुअली एक एक कर कर नाम लूँ, बिकॉज नहीं हो वो पॉसिबल. फिर कुछ बच्चों के लूंगा, कुछ बच्चों के नहीं लूंगा, कुछ बच्चों के लूंगा, कुछ बच्चों के नहीं लूंगा. एंड देन यू विल लाइक सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो. तो मैं आपको तो पता ही है मैं पक्षपात नहीं करता हूं, ठीक है. चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो भाई और बहनों, यहां पर इस चैप्टर में आपको तो जैसे पता ही होगा कि इस चैप्टर में कितने हैं, तीन तीन यूनिट्स है. यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू एंड यूनिट नंबर थ्री. हमारी जो सीक्वेंसिंग होगी, हमारी सीक्वेंसिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है. हम लोग चैप्टर नंबर वन के यूनिट नंबर वन से थ्री पर जाएंगे, फिर थ्री से वन पर आएंगे, तो ऐसा कुछ करेंगे और बाद में टू करेंगे, ठीक है. बाद में टू करेंगे, राइट. यस, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर टू. डिमांड के नोट्स मैंने आपको इंस्टाग्राम पर डाले थे, ठीक है. अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाले थे, ठीक है. आप लोग आपके दोस्तों से पूछ लेना, मैंने डाले थे नोट्स. नोट्स की बातें आज ये वाले नोट्स भी मैं डाल दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है. आपके दोस्तों से पूछो यार, तुम तुम्हारे टीचर्स को फॉलो नहीं कर सकते हो, तुमको नोट्स भी चाहिए और तुमको पता भी नहीं है कहाँ पर है, फॉलो भी नहीं करना है, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट द मैजिक बिगिन. सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, यहां पर सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है. तो देखिए बेटा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में हम लोग अभी क्लासिफाई करने वाले हैं मार्केट्स को इनटू द ज्योग्राफी, इनटू द वॉल्यूम, इनटू द टाइम, इनटू द नेचर, इनटू द रेगुलेशन एंड द कॉम्पिटिशन. प्लीज एकदम अच्छे से ध्यान देने का, एकदम अच्छे से ध्यान देने का. ज्योग्राफी के हिसाब से मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, रेगुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं और कंपटीशन के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. तो यहां पर आप लोग मेरे साथ, सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ बोलने वाले हैं, ठीक है. सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ बोलेंगे. ज्योग्राफी के हिसाब से हम लोग मार्केट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इंटू लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल. तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. तो जब मैं बात करता हूँ लोकल मार्केट की, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आसपास लोकल हाट बाजार्स की, मैं बात कर रहा हूँ पेरिशेबल गुड्स की, मैं बात कर रहा हूँ वेरी बल्की गुड्स की. तो आपको ये एग्जाम्पल में आएगा कि हम लोग जब पेरिशेबल गुड्स की बात करते तो कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन में आएगा. तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको सही से पहचानना होगा. जब मैं आपको बोलता हूँ आजू बाजू, आजू बाजू, आजू बाजू, मतलब क्या है, एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट,
एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट, बोलो एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट। तो जब मैं एडजेसेंट सिटी और एडजेसेंट स्टेट की बात करता हूं, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यह है रीजनल मार्केट। ये क्या है? रीजनल मार्केट। ये क्या है? रीजनल मार्केट। अगर हम बात करते हैं भाई और बहनों नेशनल मार्केट की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जब विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री की जब मैं बात कर रहा हूं, उसको हम लोग नेशनल मार्केट कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट। और अगर मैं कहता हूं क्या, अगर मैं कहता हूं कि बिटवीन द टू कंट्रीज ट्रेड हो रहा है, बिटवीन द टू कंट्रीज ट्रेड हो रहा है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बताइए ना बच्चा पार्टी। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनेशनल मार्केट की। किसकी? इंटरनेशनल मार्केट की। ठीक है, ओके, गॉट इट एवरीवन? यस। तो भाई और बहनों देखना यहां पर, भाइयों और बहनों, लोकल मार्केट म्हणजे व्हाट? लोकल मार्केट मतलब पेरिशेबल गुड्स, वेरी बल्की गुड्स एंड विद इन द जैसे कि हाट बाजार वगैरह हो गया। रीजनल मतलब आजू बाजू, आजू बाजू। एडजेसेंट स्टेट, एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट, एडजेसेंट सिटी। मेरा हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर क्या है, हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो एमसीक्यू साबित हो सकता है। तो प्लीज कृपया ध्यान दीजिए मेरे हर एक सेंटेंस पर, ठीक है? नेशनल मार्केट मतलब विद इन द टेरिटरी, विद इन द कंट्री, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है? उसको हम लोग नेशनल मार्केट कहेंगे। एंड इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या है? बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है? जैसे कि मैं इंटरनेशनल टीचर हूँ, यस, इंटरनेशनल टीचर हूँ। नेपाल से लोग देख रहे हैं, भूटान से देख रहे हैं, और कहाँ से देख रहे हैं? दुबई से। और कहां से देख रहे हैं? मस्कट से, राइट? यस, चलिए, ऑसम। मैं अभी आपको लेकर चलता हूं बेटा, हमारा जियोग्राफी हो चुका है, जियोग्राफी, जियोग्राफी हमारा हो चुका है, जी हाँ। अभी मैं आपको टाइम के पास लेकर चलता हूं, टाइम के पास, टाइम के पास लेकर चलता हूं। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। बोलो मेरे साथ सारे बच्चे क्या बोलेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। कम ऑन एवरीवन, अगेन अगेन अगेन। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है? जब मैं बात करता हूँ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की, तो मैं बात करता हूँ किसकी बेटा? मैं बात करता हूं कि जहां पर यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई, तो ये हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। जब मैं बात करता हूँ शॉर्ट पीरियड मार्केट की, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में मैं सप्लाई को चेंज कर सकता हूं, लेकिन ओनली अप टू द चेंजेस इन द वेरिएबल फैक्टर्स, ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स फैक्टर्स भी होने वाले हैं। मतलब मैं सप्लाई को तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मॉडरेटली चेंज कर सकता हूँ। कैसे? मॉडरेटली, मॉडरेटली टू द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। और लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है? आई कैन चेंज द सप्लाई फुल्ली, आई कैन एडजस्ट द सप्लाई फुल्ली, मैं सप्लाई को पूरा चेंज कर सकता है। जी हाँ, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जी हाँ, यहाँ पर कोई फिक्स फैक्टर्स नहीं है। सारे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है? यस। अगर मैं बात करता हूँ वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट की, तो वेरी लॉन्ग पीरियड में हम कहना चाहते हैं बेटा, इसको सेक्यूलर पीरियड कहते हैं, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। एग्जाम्पल पॉपुलेशन, एग्जाम्पल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। गॉट इट एवरीवन? यस एवरीवन। चलो फिर से एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो शॉर्ट पीरियड में माय सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई इज फिक्स्ड। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट पीरियड मार्केट, आई कैन चेंज द सप्लाई, बट आई कैन चेंज मॉडरेटली, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पीरियड मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सप्लाई को फुल्ली एडजस्ट कर सकता हूँ, फुल्ली 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 फुल्ली। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्यूलर पीरियड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन, द चेंजेस इन द पॉपुलेशन, ठीक है? यस, ओके, वेरी गुड, अमेजिंग गाइस। तो वी आर डन विद द टाइम एज वेल, वी आर डन विद द ज्योग्राफी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज नेचर, दैट इज नेचर, नेचर, नेचर के हिसाब से गाना है बेटा, बहुत ही अमेजिंग गाना है, आपको तो पता ही होगा, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक गाना है बेटा आपके लिए, शॉर्ट, स्पॉट, कैश, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ठीक है? गौर देना इस पर, गौर देना, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है? यस, स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, बोलो, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से अपने को इसको याद रखना है, स्पॉट का दूसरा नाम कैश है, फॉरवर्ड का दूसरा नाम फ्यूचर है, आपको ये भी याद रखना है, आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए, आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए, ठीक है? सर एग्जाम में मॉड्यूल के कितने क्वेश्चन होते हैं? कवच त्रिवेदी, बहुत ही उमदा सवाल है बेटा, इंस्टीट्यूट तुमको क्या बोलेंगे पता है? ओ स्त्री कल आना, हाँ ओ स्त्री कल आना, ऐसे कुछ भी सवाल पूछते हो तुम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो स्पॉट एंड कैश मतलब क्या होता है, स्पॉट एंड कैश मतलब क्या होता है? स्पॉट एंड कैश का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अभी के अभी पैसा चाहिए और अभी के अभी गुड्स, तुमने गुड्स को लिया और पैसा दिया, गुड्स को लिया पैसा दिया, गुड्स को लिया पैसा दिया, ऑन द स्पॉट सब कुछ हो रहा है। इसके लिए बेटा, इसके लिए आपके लिए, आपके पास एक और सॉन्ग है, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो, मतलब गुड्स को लेने का पैसे देने का ऑन द स्पॉट जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो बेटा यहां पर देखना, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड मार्केट को हम लोग कहते हैं कि हम लोग फ्यूचर में तुमसे गुड्स खरीदेंगे और फ्यूचर में ही तुमको पैसा देंगे, 1 महीने के बाद गुड्स खरीदेंगे, 2 महीने के बाद पैसे देंगे, तो ये क्या है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन, इसको फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, इसको फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ठीक है? इसको फ्यूचर ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, जी हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटेड मार्केट एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनरेगुलेटेड मार्केट? रेगुलेटेड मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट, जहां पर रूल्स रेगुलेशंस को, जहां पर क्या, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, लॉ ऑर्डिनेंस को फॉलो किया जाता है, जहां पर परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को फॉलो किया जाता है, ठीक है? मतलब हम क्या कहते हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन को, ठीक है? सर ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे बताइएगा ना जरा, बेटा बताओ इनको कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मैं लिंक डाल दूंगा या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर कितने बार बोलने का रहे नोट्स के बारे में, हाँ ध्यान दो ना, चुपचाप अभी पढ़ाई करो यार, नोट्स नोट्स नोट्स, ए पीडीएफ 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 पीडीएफ, अरे 10 का 2, 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 कहाँ पर मिलेंगे पीडीएफ सर बताइए हमका, अरे सर हमका पीडीएफ बताइए, हमको पढ़ाई में कोना इंटरेस्ट ना थी, हमको तो बस पीडीएफ कलेक्टर बनना है, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, ठीक है? ध्यान दो ना यार, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं मस्त, हाँ चलिए ध्यान दो अभी, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट, तो रेगुलेशन हो गया, हाँ अनरेगुलेटेड मतलब क्या है, जहां पर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जहां पर अनुशासन प्रतिष्ठा कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? और वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट, गॉट इट एवरीवन? यस ओके ओके, तो यहां पर देखता हूं बेटा, होलसेल मार्केट मतलब क्या होता है,
जहां पर बल्क में गुड्स हम लोग बाय करते सेल करते हैं, बल्क में, ठीक है, बल्क में। मार्शल आर्ट कह रहा है, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट बेटा तुम मत लो ना, तुम मत लो पीडीएफ, मेरे को क्या है। अरे भाई एक तो तुमको फुकट में पढ़ने का, फिर बोलते हो कि पीडीएफ कहां पर दू। हाँ पीडीएफ जहां पर दी तो बोलते हो कि सर आपको फॉलोअर इंक्रीज। अरे मत करना भाई फॉलो, फुकट में लेकर चले जा, मत कर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं मेरे को, ठीक है भाई। मेरे को वैसे भी ऑनेस्ट फॉलोअर्स चाहिए, ऐसे ऐसे मेरे को नहीं, फर्जी फॉलोअर्स नहीं चाहिए मेरे को। तुमको आने का है फुकट में लेकर जाओ भैया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको फर्जी फॉलोवर्स नहीं चाहिए, ठीक है, इस हमारे भी कुछ उसूल है भाई। हाँ मजाक समझे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन अभी कंपटीशन के हिसाब से क्या है बेटा, सॉरी होलसेल, होलसेल हो गया, हाँ होलसेल हो गया, ठीक है, यस होलसेल हो गया। अभी रिटेल देखना, रिटेल, रिटेल मुझे क्या है, छोटा छोटा क्वांटिटी में, छोटा छोटा क्वांटिटी में, छोटा छोटा क्वांटिटी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो उसको रिटेल मार्केट कहते हैं। जी हाँ उसको रिटेल मार्केट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन का मतलब का है, कंपटीशन का मतलब का है, कंपटीशन का मतलब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलो कॉमन फटाफट एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अब एकदम एकदम सिंसियरली फोकस, फोकस के साथ पढ़िए। ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल, लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल, लोकल रीजनल नेशनल इंटरनेशनल। लोकल मार्केट में क्या होता है, लोकल मार्केट में पेरिशेबल गुड्स होते हैं, लोकल मार्केट में वेरिएबल की गुड्स होते हैं, लोकल मार्केट में लोकेटेड टू द ये क्या है, लोकल हाट बाजार्स एंड ऑल दैट थिंग्स। रीजनल मार्केट में क्या होता है, रीजनल मार्केट में आजू बाजू, एडजेसेंट सिटी, एडजेसेंट स्टेट। नेशनल मार्केट में विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल मार्केट में बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। नेचर के हिसाब से क्या होता है, नेचर के हिसाब से बेटा कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। कैश मतलब अभी के अभी पैसा देने का, अभी के अभी गुड्स लेने के। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हम तुमसे गुड्स लेंगे, फ्यूचर में तुमको पैसा देंगे, ठीक है। होलसेल में क्या होता है, बल्क में हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं। रिटेल में क्या होता है, रिटेल में हम लोग छोटा छोटा क्वांटिटी में परचेस करते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटेड के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, लॉ ऑर्डिनेंस को फॉलो किया जाता है। रेगुलेटेड मार्केट एग्जाम्पल इज अ स्टॉक मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट इज अ अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट, जहां पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो नहीं करना होता है, तो वो हो गया अनरेगुलेटेड मार्केट। टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो टाइम के हिसाब से क्या होता है, टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में द सप्लाई इज फिक्स्ड, द सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट में तुम सप्लाई को चेंज कर सकते हो, लेकिन मॉडरेटली चेंज कर सकते हो, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग पीरियड मार्केट में तुम क्या कर सकते हो, लॉन्ग पीरियड मार्केट में बच्चा पार्टी, यू कैन चेंज द सप्लाई फुल्ली, यू कैन एडजस्ट द सप्लाई फुल्ली, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर देयर आर वेरिएबल। एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट को हम लोग सेक्युलर पीरियड भी कहते हैं, और सेक्युलर पीरियड का एग्जाम्पल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन इज अ विल कम इन विच टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। तो आपको यहाँ पर बताना होगा वेरी लॉन्ग। सेक्युलर पीरियड किस में आएगा, वेरी लॉन्ग में आएगा। यहाँ पर हर एक चीज, हर एक वर्ड जो मैंने बोला है और हर एक जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, उस पर एमसीक्यू आपको आ सकता है। जी हाँ उस पर आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट एवरी वन? तो हर एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पर, मतलब लोकल पर एमसीक्यू, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल पर एमसीक्यू आ सकता है, होलसेल रिटेल पर एमसीक्यू आ सकता है। नेचर, नेचर मतलब यहाँ पर नेचर के अंडर क्या आता है, इस पर भी सवाल आ सकता है। रेगुलेशन के अंडर क्या आता है, इस पर सवाल आ सकता है। स्टॉक मार्केट कहाँ पर आएगा, इस पर सवाल आ सकता है, और इस पर भी यहाँ पर सवाल आ सकते हैं। जी हाँ ठीक है, गॉट इट एवरी वन? अभी कॉम्पिटिशन के हिसाब से हम लोग जो करना करने वाले हैं, कंपटीशन के हिसाब से इसको जरा डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो परफेक्ट कंपटीशन को सबसे पहले मैं यहां पर देना चाहता हूँ बेटा 5 स्टार। परफेक्ट कंपटीशन को हम यहाँ पर देना चाहते हैं 5 स्टार, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये है तुम्हारे इंस्टीट्यूट का फेवरेट, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का इस पर क्रश है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने भर भर कर सवाल पूछे बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के ऊपर, ठीक है। यस
तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसको फाइव स्टार करना आईसीआई का फेवरेट है, आईसीआई का क्रश है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ये तो एकदम चिंदी वाला पॉइंट हो गया, एकदम टाइम पास वाला पॉइंट। लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना, होमोजीनियस गुड्स एंड 100% आइडेंटिकल गुड्स, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेम टू सेम गुड्स होते हैं। क्या सेम टू सेम? एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, गोल्ड। तो गोल्ड आपको पता है सेम टू सेम, तो 24 कैरेट का ये ले लो, 24 कैरेट का ये ले लो, 24 कैरेट का ये गोल्ड ले लो, सेम टू सेम लगेगा, कोई डिफरेंस है क्या? कोना डिफरेंस नथिंग। सिल्वर ले लो बेटा, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, कोना फर्क नहीं पड़ेगा। अमूल का तुमने सपोज अमूल ताजा लिया है, तो अमूल ताजा तुम दूसरा कोई भी पैकेट ले लो तो भी तुमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मतलब मैं अमूल नहीं लिखता हूँ, मिल्क लिखता हूँ, सॉरी, ठीक है, मिल्क लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मिल्क में भी तुमको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिल्क, ठीक है। यहाँ पर एक और इसका एग्जाम्पल लिखा है बेटा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आएगा, जी हाँ, ठीक है, यस। तो यहाँ पर देखिए, बेटा इका है, होमोजीनियस गुड्स कहेंगे इसको, जी हाँ। यहाँ पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, जी हाँ, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। इस टाइप के मार्केट में कोई भी एंट्री मार सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। प्योर कंपटीशन पर आपको एमसीक्यू आ सकता है, इस टाइप के मार्केट को प्योर कंपटीशन भी कहते हैं, जी हाँ, इस टाइप के मार्केट को प्योर कंपटीशन भी कहते हैं, ठीक है, यस 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 यस, ओके, गॉट इट एवरीवन, यस। तो यहाँ पर देखिए बेटा, और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, क्या लिखा गया है यहाँ पर देखना। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज, पीपल आर हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। सो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब लोगों को परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है गुड्स के बारे में, मार्केट के बारे में, इसलिए यहाँ पर ना बेटा सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंड यू कैन से दैट नो सेलिंग कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नो सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, नो सेलिंग कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सो देर इज नो सेलिंग कॉस्ट, प्राइस टेकर्स होते हैं, हाँ ये प्राइस टेकर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी द प्राइस मेकर्स, दे कैन नॉट बी द प्राइस मेकर्स, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सारी प्राइसेस पता है गुड्स की, दे हैविंग द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द गुड्स, दे हैविंग परफेक्ट नॉलेज अबाउट द गुड्स। सो वेन दे आर हैविंग द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द गुड्स, नो वन इज गोइंग टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता है हर थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पर वो गुड्स मिल जाएगा किसी दूसरे दुकानदार के पास उतने उतने रुपए में। आपको पता है सपोज मिल्क, सपोज फॉर एग्जाम्पल 70 रुपीज का मिलता है, तो 70 रुपीज का अगर मिल्क मिलता है, तो आप लोगों से अगर किसी ने 80 रुपीज लेने की कोशिश भी करी, तो आप क्या बोलोगे, ओ भाई क्या कर रहे हो, काय का 80 रुपीज, अरे 70 रुपीज में मिलता है हर जगह पर। तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कितने का होता है, बट यस यस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी, यस देयर इज अ परफेक्ट इलास्टिसिटी। तो मैं यहाँ पर इसका ग्राफ निकालूंगा, ये देखो बेटा, ये परफेक्ट इलास्टिसिटी, यस देयर इज अ परफेक्ट इलास्टिसिटी ओवर हियर, जी हाँ। यहाँ पर पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, जी हाँ, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है, जी हाँ, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये परफेक्ट इलास्टिसिटी, ये प्राइस टेकर है ना, फिर ये नो सेलिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में आ सकती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये देखो यहाँ पर एग्री गुड्स, गोल्ड सिल्वर है ना, मिल्क, ये भी आपको यहाँ पर एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, जी हाँ, ये भी आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, राइट, गॉट इट एवरी वन ओवर हियर। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज जस्ट अ मिथ, ये रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं कि 100% आइडेंटिकल गुड्स रहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज अ मिथ मिथ मिथ, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज अ मिथ मिथ मिथ, ठीक है, गॉट इट, यस।
चलिए आ चुके हैं। नो नो कह रहे हो तुम लोग। नो 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 नो। हाँ यस वी आर बैक अगेन। चलिए चलिए चलिए। सो रिफ्रेश कर लीजिए बच्चा पार्टी। रिफ्रेश। वी आर लाइव अगेन। यस वी आर लाइव अगेन। मैंने तो मेरा ही वाईफाई बंद कर दिया था। सॉरी बेटा कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। हाँ यस। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इका है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होमोजीनियस गुड्स 100% आइडेंटिकल गुड्स तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फ्री एंट्री फ्री एग्जिट फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। ठीक है यस। देन प्योर कॉम्पिटिशन परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। देन प्राइस टेकर्स होते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नो सेलिंग कॉस्ट नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ए पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। एंड ये टाइप का मार्केट एक मिथ होता है। यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो स्टॉक मार्केट एग्री गुड्स गोल्ड सिल्वर एंड मिल्क। ठीक है यस। चलिए अभी यहां पर देखिए मोनोपोली। ठीक है मोनोपोली को बेटा देखते हैं समझते हैं ध्यान देना एकदम अच्छे से। ठीक है हाँ परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है। यस 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 ओके। अब देखना बेटा यहां पर। अब देखना है बेटा यहां पर मोनोपोली मतलब क्या होता है। मोनो मंजे सिंगल सिंगल एंड पोली मंजे सेलर सेलर। तो इका है इका है सिंगल सेलर क्योंकि सिंगल लोग बड़े खुश होते हैं तो ये भी बड़ा खुश रहता है क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है ये अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है ये प्राइस मेकर होता है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है जिसको जो प्राइस में बेचना है बेच सकता है। ही इज हैविंग द कंट्रोल ओवर द प्राइस ओवर हियर। जी हाँ इसके पास पूरा की पूरा क्या है पूरा की पूरा कंट्रोल ओवर द प्राइस है। तो सिंगल सेलर यहां पर ये प्राइस मेकर है प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है कंसीडरेबल कंट्रोल ओवर दी प्राइस कंसीडरेबल कंट्रोल ओवर दी प्राइस। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो ये एमसीक्यू के लिए आएगा ये एमसीक्यू के लिए आएगा आपको। ठीक है सिंगल सेलर सिंगल सेलर। यहां पर सर सेलिंग कॉस्ट होगी क्या। जी हाँ बिल्कुल यहां पर सेलिंग कॉस्ट होगी। क्यों सेलिंग कॉस्ट होगी बिकॉज यहां पर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये यूनिक प्रोडक्ट है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है तो इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। इसके लिए सेलिंग कॉस्ट लगेगी। लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा और लोगों से पैसा हम लोग लूटते रहेंगे लूटते रहेंगे। तो इस टाइप के मार्केट में ना प्राइस स्कीमिंग होता है। प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग मतलब क्या है बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं लोग। स्विमिंग नहीं बेटा स्कीमिंग क्या है प्राइस स्कीमिंग SKIMM स्कीमिंग। ठीक है तो यहाँ पर प्राइस स्कीमिंग होता है मतलब ये बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। जी हाँ और यहाँ पर क्या होता है बेटा यहाँ पर सिंगल सेलर बैरियर टू एंट्री कोई भी नया प्लेयर जल्दी से आ नहीं सकता है। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट नहीं है ऐसा। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं स्ट्रिंजेंट लीगल रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट लीगल रिक्वायरमेंट एंड बैरियर टू एंट्री यहां पर आपको याद रखना है ये। ठीक है ठीक है यस। इस टाइप के मार्केट में बेटा हम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस टाइप के मार्केट में हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर इस टाइप के मार्केट में कमा सकते हैं। कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है और सर फिर वो परफेक्ट कंपटीशन जो था ऊपर वाला उसमें अपन कैसे क्या उसमें अपन कौन सा प्रॉफिट कमाते हैं उसमें अपन नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें ना इसमें अपन नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है इसमें कोई सुपर नॉर्मल नहीं है इसमें ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है समझ में आया एवरीवन गॉट इट। यस
चलिए अभी बेटा अपना मोनोपोली भी हो गया, और मोनोपोली से भी सवाल अपने को आ सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। यस, तो अब देखिए बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत ही मतलब इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बट यस। मोनोपोली मतलब क्या है? मोनोपोली मतलब बेटा होता है कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स, जैसे कि देखना बेटा यहाँ पर इसके टूथपेस्ट में यहाँ पर मिर्ची है, इसके टूथपेस्ट में यहां पर हल्दी है, इसके टूथपेस्ट में बेटा क्या है, इसके टूथपेस्ट में लेटेस्ट सी, इसके टूथपेस्ट बेटा ये है सेंसिटिविटी है बेटा, सेंसिटिविटी। तो किसी के टूथपेस्ट में नमक है, किसी के टूथपेस्ट में हल्दी है, किसी के टूथपेस्ट में क्या है मिर्ची है, किसी के टूथपेस्ट में सेंसिटिविटी है, किसी के टूथपेस्ट में चारकोल है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सो यहाँ पर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, जी हाँ यहाँ पर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये सोप है, इस सोप बेटा रोज का है, इस सोप बेटा नीम का है, इस सोप बेटा सैंडलवुड का है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं सोप में भी, जी हाँ ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं। ई वाली स्लाइड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम इस पर क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था बेटा इस पर, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कौन से टाइप के मार्केट में होता है, इस पर सवाल आया था बेटा, हमने इस स्लाइड को हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था बच्चों को एग्जाम से पहले, और इसी पर सवाल आया बेटा, ठीक है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन कौन से टाइप के मार्केट में होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक, ये लोग प्राइस से नहीं लड़ते हैं, नो 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 नो, ये लोग लड़ते हैं अपने प्रोडक्ट से। ये देखो हमारे अगर टूथपेस्ट तुम लोग यूज करोगे तो यहां पर आपके दांत एकदम सफेद हो जाएंगे, ये लोग लड़ते हैं अपने प्रमोशन के टेक्निक से, ये लोग लड़ते हैं अपनी पब्लिसिटी के टेक्निक से, ये लोग लड़ते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक से। देखो बेटा हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि तुम जैसे भोले भाले बच्चे, भोले तो नहीं हो तुम, लेकिन हाँ तुम जैसे बच्चे जो है शैतान बच्चे, वो लोग कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं क्लोजअप, क्यों, क्योंकि वो क्लोजअप के एडवर्टाइजमेंट देख कर आते हैं, कौन से एडवर्टाइजमेंट, पास आओ, ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट है मेरे को, ठीक है। जो बच्चे काफी इमोशनल होते हैं अपने मॉम डैड को लेकर, वो लोग कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो लोग करते हैं कोलगेट, हर माँ का भरोसा कोलगेट। जो बच्चे आयुर्वेदिक से बहुत ज्यादा क्या है, जो लोग बूढ़े लोग थोड़े से जो आयुर्वेदिक से बहुत ही ज्यादा प्रेरित है, वो लोग यूज करते हैं दंत कांति, डाबर लाल दंत मंजन, ठीक है, डाबर लाल दंत मंजन यूज करते हैं, ठीक है। जो जो लोग बहुत ही रिच है वो लोग पेप्सोडेंट सेंसोडाइन है ना, वो यूज करते हैं। तो बेटा ऐसी होती है इनकी कंपटीशन, इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। यस, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट एवरीवन, यस। चलिए ओके, तो बेटा यहां पर आपको समझना होगा, कई पर पब्लिसिटी होता है, जी हाँ पब्लिसिटी होता है, ठीक है, ये पब्लिसिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आफ्टर सेल सर्विस, पैकेजिंग, प्रमोशन, प्राइस कट, ये सारा के सारा इनका टेक्निक होता है कस्टमर को अपने पास लाने का, ये सारा का सारा टेक्निक होता है। ओके, गेटिंग एवरीवन, यस। तो बेटा देखो यहाँ पर ई का होता है, इसमें देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जी हाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, ठीक है। यस, देन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन आपको समझ में आ गया? तो आपको अगर मोनोपोलिस्टिक पर कोई सवाल आना है तो मेरे हिसाब से यही आना है, नॉन प्राइस कंपटीशन, बाकी तो इसमें कुछ दम है नहीं एज सच,
यहां पर भी लॉन्ग रन में ये लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं। लॉन्ग रन में ये लोग जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हैं, ज्यादा कोई इनका कुछ खास प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, कंपटीशन बहुत खतरनाक होती है। गॉट इट एवरीवन? अब देखो बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन 5 स्टार, बोली को बोली बेटा 5 स्टार है। इंस्टीट्यूट ने इसको बहुत दी है इज्जत, अपन भी इसको बहुत देंगे इज्जत। क्यों? इंस्टीट्यूट ने बेटा ओली को बोली, फिर किंग टी डिमांड कर, उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ ओली को बोली, 10 10 टाइप्स ऑफ ओली को बोली, इतना भाव कौन देता है, इतना भाव कौन देता है, ठीक है। चलो अभी देखते बेटा आगे, यहां पर इस टाइप के मार्केट में क्या होता है, ओलिगोपोली में क्या होता है, देर आर ओनली फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल्स लिखना चाहता हूं इसके। ओपेक, इस पर सवाल आया था, ओपेक इज अ विच टाइप ऑफ मार्केट के अंदर आएगा ये? ऑयल कंपनीज जो होती है, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा क्या है, एविएशन सेक्टर। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं अपार्ट फ्रॉम एविएशन सेक्टर क्या है बेटा, टेलीकॉम सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा एक और सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आपको इस पर भी सवाल आ सकता है कि ऑटोमोबाइल जो है ये कौन से टाइप के अंदर आएगा, टेलीकॉम ये कौन से टाइप के मार्केट के अंदर आएगा, एविएशन कौन से टाइप के मार्केट के अंदर आएगा, ओपेक कौन से टाइप के मार्केट में आएगा, ठीक है। और आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जी हाँ, राइट। फ्यू सेलर्स, यहां पर भी कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, जैसे कि एक्टिवा लेकर आया 3G, फिर 5G, ठीक है, फिर OG, AG, है ना, 5G, 6G, 7G। जितना तेजी से ये एयरटेल और जियो नहीं बढ़े, उतना तेजी से तो अपना एक्टिवा बढ़ गया, राइट। फिर तुम्हारा एप्पल लेकर आता है, एप्पल 13, 13 प्रो, 13 प्रो प्लस, 14, 14 प्रो प्रो प्लस, अरे भाई कितने कितने पता नहीं है, कितने कितने निकल आते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते बेटा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, राइट ना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है क्या? हाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यस यस ओके। तो यहां पर ही का है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फिर इस टाइप के मार्केट में क्या होता है बेटा, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होता है। देखो हाँ ध्यान से, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस मतलब ये लोग ऐसे देखते रहते हैं, हाँ अपना कॉम्पिटिटर क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, ये ऐसे देखते रहते हैं, ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी ये क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। सब लोग अपने अपने हिसाब से करो यार बिजनेस, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, ठीक है, यस। सब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जी हाँ देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलिंग कॉस्ट, अरे बहुत सेलिंग कॉस्ट होता है यहाँ पर, बहुत सेलिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स है। तो एयरटेल बोलता है मेरा स्पीड सबसे तेज है, जियो बोलता है ए जियो धन धना धन, के जियो धन धना धन, के जियो धन धना। तो यहां पर सब लोग कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, सब लोग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, यस। तो यहां पर देखना बेटा सेलिंग कॉस्ट, यस सेलिंग कॉस्ट होता है, बहुत होता है, ठीक है, यस। अब देखना बेटा यहां पर इस टाइप के मार्केट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जी हाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इस टाइप के मार्केट में। इस टाइप के मार्केट में स्क्वीजी मॉडल होता है, इस टाइप के मार्केट में पॉल स्क्वीजी ने स्क्वीजी मॉडल आया था। इस टाइप इसका कर्व कैसे होता है, इसका कर्व होता है बेटा किंग टू डिमांड कर्व। कैसा कर्व होता है, किंग टू डिमांड कर्व, ठीक है, किंग टू डिमांड कर्व होता है। स्विगी मॉडल नहीं है, स्क्वीजी मॉडल किसने लाया था, पॉल स्क्वीजी ने लाया था किंग टू डिमांड कर्व को। इस टाइप के मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है, क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी मतलब क्या है बेटा, प्राइस रिजिडिटी मतलब इसको अपन स्टिकी प्राइसेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिकी प्राइजेस, स्टिकी प्राइजेस, ठीक है। तो इस टाइप के मार्केट में स्टिकी प्राइजेस भी होती है, जी हाँ स्टिकी प्राइजेस भी होती है। यहाँ पर प्राइस स्कीमिंग नहीं होता है, प्राइस स्कीमिंग यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, यस।
तो बेटा यहाँ पर रिजिडिटी होगा क्या? जी हाँ, रिजिडिटी होगा। इसके ऊपर मेरे को तुमको एक ग्राफ ड्रॉ कर कर दिखाना है, ठीक है? यस। देखो बेटा, मैंने सारा की सारा यहाँ पर कितने अच्छे से प्लेस छोड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, देखो। देखो मैं कितने अच्छे से लाइन मारा है मैंने, ठीक है, बिना स्केल के, है ना? ये देखो बेटा यहां पर, ये देखो बेटा, ये देखो। अब यहां पर समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे यहां पर। एक है बेटा प्राइस है, प्रिवेलिंग प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस, ठीक है? यस। अब देखना बेटा यहां पर, अगर मैं थोड़ा सा भी, ठीक है, ठीक है, अब देखना बेटा यहां से, ध्यान देना एकदम अच्छे से। अगर मैं थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज करता हूं थोड़ा सा, तो मेरा मार्केट शेयर तो एकदम कम हो गया ने, एकदम मार्केट शेयर कम हो गया। तो मैंने यहां पर प्राइस इंक्रीज जब किया तो मैंने फायदा हुआ क्या? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, मेरा तो इनफैक्ट नुकसान हो गया भैया, नुकसान हो गया। और मैंने फिर बाद में बहुत प्राइस को कम किया, मैंने बहुत प्राइस को कम किया तो भी मेरा कुछ ज्यादा फायदा हुआ क्या? नहीं। तो भाइयों और बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के मार्केट में आपको इतनी प्राइस रखने की है, ज्यादा मस्ती नहीं करने का। इसीलिए हम लोग कहते हैं स्टिकी प्राइजेस, स्टिकी प्राइजेस। इसीलिए अपन क्या कहते हैं? स्टिकी प्राइजेस कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? प्राइस रिजिडिटी, प्राइस री जी टी, प्राइस रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है? यस सर। तो यहां पर प्रीवेलिंग प्राइस हमारी ये है, और प्रीवेलिंग प्राइस के ऊपर अगर हम लोग गए तो देखो ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्क आया ना, बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको? इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो मतलब यहां पर ग्रेटर देन वन होगा, यहां पर फ्लैटर कर्व है। क्या है? फ्लैटर कर्व। और अगर मैं जाता हूं प्रिवेलिंग प्राइस के नीचे, अगर मैं जाता हूं प्रिवेलिंग प्राइस के नीचे, तो मेरे क्वांटिटी में बहुत छोटा सा टेस्ट, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आया ना, ठीक है? तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? इन इलास्टिक, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। इस पर सवाले आते हैं बेटा, सवाले इस पर एग्जाम में सवाले आएंगे तुमको, मेरे को याद रखोगे तुम लोग फिर, ठीक है? इसको प्रिवेलिंग प्राइस के नीचे लेस देन वन, प्रिवेलिंग प्राइस के नीचे स्टीपर कर्व, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? यस सर। सो भाई और बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, 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 यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और ये किसने बोला था? ये बोला था पॉल स्क्वीजी ने। इस पर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और इस मॉडल का नाम क्या है? उस पर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। दैट इज स्विगी मॉडल, नहीं स्क्वीजी मॉडल, स्क्वीजी मॉडल, स्क्वीजी मॉडल। तो यहाँ पर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जी हाँ। और यहाँ पर भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जी हाँ। तो भाई और बहनों, आपके सामने एक इन डिमांड कर्व का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, और ये होता है ओलिगोपोली के केस में, जहां पर हम लोग ये प्रूव किया है कि यहाँ पर स्टिकी प्राइजेस और प्राइस रिजिडिटी होती है। सो आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये ग्राफ। और बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है? एमसीक्यू की बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, और यहाँ पर हम लोगों ने सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। किसके किसके? ओलिगोपोली के। ओलिगोपोली पे जनरली सवाल आता है, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस पर आता है, लिव एंड लेट लिव पर भी आ सकता है, लिव एंड लेट लिव पर, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस पर, फ्यू सेलर्स पर आता है सवाल, और अदर देन दिस फ्यू सेलर्स आपको यहाँ पर आ सकता है एग्जाम्पल्स। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है इस पर भी सवाल आपको आ सकता है। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? यस। ठीक है, चलिए, गॉट इट एवरीवन?
गॉट इट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? अगर मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो बेटा लाइक वाइक मारते रहो, अदरवाइज आपको तो पता ही है, आप लाइक कम करोगे भगवान भी तुम्हें कम मार्क्स देगा, ठीक है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है, सो वी आर डन विद दिस एज वेल। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली बेटा, ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, हमें लिखना पड़ेगा ये, हमें लिखना पड़ेगा ये, हाँ हमको ये लिखना पड़ेगा। चलिए टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली लिखते हैं, फट फट लिखेंगे, ठीक है, फट 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 फट। तो मेनू बताइए बच्चा पार्टी, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली। सब टीचर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे काहे करते हैं, काहे करते हैं ऐसा? तो तुमको समझ नहीं आता है सर, इतना यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, मैराथन में सुबह से क्लास ले रहे हैं सर, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली कर देना चाहिए ना लाइक। हाँ आप ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का मौका काहे देते हैं, आप मौका ही ना दीजिए, देखो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है? हम सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं बेटा, इसके पहले इंटर की 1.5 घंटे की क्लास थी, उसके पहले प्लस की क्लास थी, उसके पहले यूट्यूब की क्लास थी, तो आपको यहाँ पर मौका ही नहीं देना चाहिए ना। यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो यहां पर देखिए, प्योर ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली, पहले मैं सिर्फ नाम लिखता हूं बेटा और फिर बाद में उनका काम लिखेंगे, ठीक है? यस, फिर मैं लिखता हूं यहां पर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या फिर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर और परफेक्ट, इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड, ओपन ओलिगोपोली या फिर क्लोज्ड ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली या फिर क्लोज्ड ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली या फिर क्लोज्ड ओलिगोपोली। फिर आता है बेटा कोलिसिव, कोलिसिव ओलिगोपोली, कोलिसिव ओलिगोपोली, और कोलिसिव ओलिगोपोली के बाद क्या होता है? कोलिसिव के बाद कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटेटिव के बाद फुल ओलिगोपोली, और उसके बाद पार्शियल ओलिगोपोली, फुल एंड पार्शियल, एंड फुल एंड पार्शियल के बाद, फुल एंड पार्शियल के बाद सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, और सिंडिकेटेड के बाद ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो भाइयों और बहनों, हमने 10 ओलिगोपोली के टाइप्स लिख दिए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जी हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। सो प्योर एंड परफेक्ट में बेटा मेनू बताइए आप लोग, प्योर एंड परफेक्ट में क्या होता है? होमोजीनियस गुड्स होते हैं यहां पर, होमोजीनियस गुड्स, ठीक है? ओके, होमोजीनियस गुड्स, मुझे आप लोग बताना बेटा इम्परफेक्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड गुड्स, हेट्रोजीनियस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस गुड्स।
ओपन ओलिगोपोली में हम लोग क्या कहेंगे? ओपन ओलिगोपोली को हम लोग कहेंगे न्यू फर्म कैन एंटर। यहां पर न्यू फर्म कैन नॉट एंटर मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। कौन है मेरे साथ यहां पर? आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ब्रो? आंसर करो मेरे साथ। ठीक है, आंसर करो ब्रो, आंसर करो। यस, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। फिर यहां पर कोलिसिव मतलब क्या? दे कम टूगेदर। ठीक है, यहां पर ये लोग कम टूगेदर, दे कम टूगेदर क्यों आते हैं वो साथ में? दे कम टूगेदर टू डिसाइड द प्राइस। सो दे कम टूगेदर, कौन? फ्यू सेलर्स, दे कम टूगेदर टू डिसाइड प्राइस और आउटपुट और बोथ, टू डिसाइड प्राइस और आउटपुट और बोथ। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? ये साथ में मिलकर यहां पर क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। ठीक है, यस। हाँ, प्रोफेसर स्टिगलर ने डिफाइन किया था। जी हाँ, यहाँ पर कार्टेल फॉर्म होता है। जी हाँ, ठीक है। कॉम्पिटेटिव में क्या होता है बेटा? कॉम्पिटेटिव में आपको बताया था, तू तेरा देख मतलब ये क्या करते हैं? ये फाइट करते हैं, ये फाइट करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे। ये लोग साथ में वगैरह नहीं आने वाले हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल दिया था आपको जियो का और किसका? वोडाफोन का। फुल पार्शल सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मेरे को बताओ अभी, मेरे को बताओ। ठीक है, फुल ओलिगोपोली मतलब क्या एंड पार्सल ओलिगोपोली मतलब क्या? फुल ओलिगोपोली मतलब क्या एंड पार्सल ओलिगोपोली मतलब क्या? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी गाइस, पे अटेंशन। मेनू बताइए फुल ओलिगोपोली मतलब क्या? There is no dominance, there is no price leadership. तो यहां पर मैं कहता हूं no dominance and no price leadership, no dominance and no price leadership, no price leadership. लेकिन यहां पर There is a price leadership by a firm. There is a price leadership by a firm. Yes. ठीक है, पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल ओलिगोपोली में एक जो फर्म है उसका वहां पर डोमिनेंस चलता है, मेजर मार्केट शेयर है और जैसा वो करेगा मार्केट में वैसा ही मार्केट चलेगा, एकदम वैसा ही। सिंगल फर्म डोमिनेटिंग द एंटायर मार्केट ओवर देयर। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली मतलब क्या होता है? दे कम टूगेदर टू डिसाइड द प्राइस एंड दे सेल थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। सेंट्रलाइज जगह से सेल करते हैं, ठीक है, गुड्स को। पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ का एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। यस, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड, दे कम टुगेदर टू डिसाइड द प्राइस एंड द आउटपुट्स। तो यहां पर ये टुगेदर आते हैं टू डिसाइड द प्राइस और द आउटपुट्स। दैट्स इट गाइस एंड गर्ल्स आउट देयर, वी आर डन विद दिस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार मार्क कीजिएगा बच्चा पार्टी। क्या? इसको 5 स्टार मार्क कीजिएगा, 5 स्टार मार्क कीजिएगा। ठीक है, यस। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग जाते हैं बेटा आगे, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं। फिर से हम लोग यूनिट नंबर 1 में जा रहे हैं। अभी ये जो बेटा हम लोगों ने किया, अभी 4 टाइप के मार्केट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, उसमें से सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट के फेवरेट है वो कौन से हैं? परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, ये फेवरेट है इंस्टीट्यूट के। ठीक है, यस।
ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट है। अभी हम लोग जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है शट डाउन पॉइंट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। सो आर यू रेडी एवरीवन? यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। शट डाउन पॉइंट लिखते हैं चलो यहां पर। शट डाउन पॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है? चलिए सर, रिटर्न नोट भी अपलोड कर दो प्लीज। कर देंगे बेटा, कर देंगे अपलोड। ठीक है सर, आपकी बुक बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू बेटा। चलिए तो यहां पर व्हेन माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन माय टोटल रेवेन्यू, तो यहां पर हम शटडाउन कर देंगे। व्हेन माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन माय एवरेज रेवेन्यू, तो भी हम लोग शट डाउन कर देंगे। व्हेन माय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन माय प्राइस, तो भी हम लोग शट डाउन कर देंगे, तो भी हम लोग शट डाउन कर देंगे। राइट एवरी वन ओवर हियर, समझ में आ गया? अरे यार ये तो समझ में आ गया सर, इसका मतलब क्या है सर? अरे बेटा इसका मतलब है कि अपनी जो कंपनी है वो वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है। अरे मतलब डे टू डे का खर्चा भी ये कंपनी अपनी रिकवर नहीं कर पा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया तू बंद पड़ रहे, बंद पड़। तो शटडाउन जो होता है, शटडाउन टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी चीजें ठीक होने तक। ठीक है तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, प्लीज एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो यहां पर इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का। हाँ बेटा इसका दूसरा तरीका, आप बोलेंगे सर आपने तो टीवीसी इज ग्रेटर देन टीआर सिखाया था। नहीं बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि टीआर इज लेस देन टीवीसी, ठीक है ऐसे भी सो हो सकता है कि एआर इज लेस देन एबीसी, ठीक है, या फिर ऐसे भी सो हो सकता है कि पी इज लेस देन एवीसी, ठीक है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है कैसे भी हो सकता है। तो ये क्या है? अपने शट डाउन पॉइंट है, जहां पर हम लोग बिजनेस को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी निकाल नहीं सकता है, वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी निकाल नहीं सकता है। ठीक है मेरे को एक और चीज लिखनी है लेकिन मेरे पास यहां पर जगह नहीं है, चलो मैं एक सेकेंड मैं यहां पर लिखता हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड ना। हाँ चलिए मैं यहां पर लिख देता हूँ, सो लेट मी राइट इट योर, ठीक है यहां पर लिख लो। ये देखो अपन ने किया था वो, चलो यहां पर लिखता हूँ। हाँ तो मेरे को क्या लिखने का है, मेरे को लिखने का है कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब होता है? तो ये जो है ना बेटा ये कब होता है, ये देखिए यहां पर, व्हेन माय ए आर इज इक्वल टू ए टी सी। सो मतलब जो मेरा, ठीक है मतलब जो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट में अभी यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। सो मतलब मैं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूँ, मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। इस पर भी एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल इस पर भी एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है और मेरे को यहाँ पर लिखने का एक और चीज क्या, व्हेन माय ए आर इज ग्रेटर देन ए टी सी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा,
एबनॉर्मल प्रॉफिट कहूंगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहूंगा, मतलब आई एम अर्निंग ओवर एंड अबव माई टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। जी हाँ, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे मेरे को एक और चीज समझ में आती है, इससे मेरे को एक और चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिक्स्ड कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, फिक्स्ड कॉस्ट आर इरिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ भी गई हो। इस पर भी आपको समझना होगा, इस पर भी आप लोगों को एमसीक्यू आ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जनरली बच्चा गलत करता है, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग तो भी गलत मत करना इसको, आप लोग तो भी इसको गलत मत करना, ठीक है। समझ में आ भी गई हो एवरी वन ओवर हियर, क्या आपको शट डाउन पॉइंट के बारे में समझ में आया, एवरी वन ओवर हियर, यस यस यस, ओके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट को पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट को। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट, संक कॉस्ट, हाँ दे आर संक कॉस्ट, सो दे आर नॉट रिलेवेंट, ठीक है। नाइन सिचुएशन बाकी है बेटा, बाकी है, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा, वो कल कर देंगे, डोंट वरी अचॉल, चिंता की कोई ना बात नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, यहां पर बहुत ज्यादा बच्चा गलत करता है, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं बेटा, व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड व्हेन एम आर इज लेस देन एम सी, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां पर, When एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, आई वुड से सेल मोर, और बेचो, और प्रोडक्शन करो, और बेचो, कोई टेंशन नहीं है, क्यों, बिकॉज बाय एडिशनल यूनिट दैट यू आर सेलिंग, यू आर गेटिंग एडिशनल प्रॉफिट, यू आर गेटिंग एडिशनल रेवेन्यू, एंड योर एडिशनल कॉस्ट इज लेस, बिकॉज योर एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, सेल मोर। When एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। When एम आर इज लेस देन एम सी, स्टॉप सेलिंग, स्टॉप सेलिंग। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ भी गई हो, गॉट इट एवरीवन, एकदम 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 अच्छे से समझ में आ भी गई हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ग्राफ आपको देखने का है, अरे ग्राफ के लिए जगह कैसे नहीं छोड़ी मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ग्राफ देखो बेटा, यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो ये है हमारा यहाँ पर एम सी कर्व, और ये है हमारा यहाँ पर एम आर कर्व। यहां पर बेटा एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, यहां पर एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, और यहां पर एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो अब देखना बेटा यहां पर, तो यहां पर देखना,
अब हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे इसको, हम लोग इसको बोलेंगे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, यहां पर स्टॉप सेलिंग। एक नॉर्मल ह्यूमन बीन देखो ना, सोचना एक नॉर्मल ह्यूमन बीन के हिसाब से, अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये जो लक्षिता है, और लक्षिता यहां पर बेच रही है एक एक गुड्स को, लेकिन उसको नुकसान मिल रहा है, तो क्या वो बेचेगी? क्या एडिशनल गुड्स बेच रही है, ज्यादा नुकसान हो रहा है कम प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है कम प्रॉफिट हो रहा है? नो, सो यू हैव टू स्टॉप सेलिंग, एंड व्हेन यू गेटिंग मोर प्रॉफिट सेल मोर। व्हेन यू आर सेलिंग वन मोर एडिशनल प्रोडक्ट एंड योर मार्जिनल रेवेन्यू दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम सेलिंग इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेल मोर। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस। सो आई थिंक दैट आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ भी गई हो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ भी गई हो। यस, चलिए, तो ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। देखो बेटा, बहुत अच्छे से अपन ने किया है ये शटडाउन पॉइंट्स, बिहेवियरल एस्पेक्ट दोनों कर लिया। ये चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 1 में है बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब देखना बेटा, यहाँ पर टी आर, एम आर एंड ए आर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। यहां पर आप लोगों को इसके फॉर्मूला पर भी सवाल आ सकते हैं, आप लोगों को इसके डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, और आप लोगों को फॉर्मूला के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल रिसीट्स अ सेलर कैन ऑब्टेन फ्रॉम सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर। टी आर इज इक्वल टू पी इन टू क्यू। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी एम आर, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपको यहां पर ध्यान देने का है, सिंपल कैश मार्क्स के सवाल आ सकते हैं, टोटल रेवेन्यू का डेफिनेशन पर सवाल, टोटल रेवेन्यू का यहां पर आपको फॉर्मूला पर सवाल भी आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू के जैसे कि मैंने आपको कहा कि डेफिनेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, आपको यहां पर देखना कितने सारे फॉर्मूले हैं, यहां पर कितने सारे फॉर्मूले हैं बेटा। देखो ए आर इज इक्वल टू पी, इस पर सवाल है, इसी को आगे सिंप्लीफाई कर दिया था, इस पर यहां पर एमसीक्यू है, इस पर यहां पर एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, तो एमसीक्यू ही एमसीक्यू है आपके सामने, कि टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे यूनिट सेल सोल्ड से, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े एवरीवन, आगे बढ़े एवरीवन, ध्यान देना एकदम अच्छे से। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू में एक ट्विस्ट वाला पॉइंट आने वाला है, जब आपको ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का है, जब आपको यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा जब दिया जाएगा, आपको इनपुट्स यूनिट्स ऐसे दिए जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू, इट इज इंक्रीज इन द रेवेन्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट दैट इज सोल्ड। सो मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, जी हाँ, हम लोग यहाँ पर उसको एडिशनल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन सर, लेकिन सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी सोल्ड। जब आपको इनपुट्स कैसा दिया होगा, जब आपको इनपुट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, अगर आपको इनपुट्स ऐसा दिया है, ऐसा, तो आपको यहां पर क्या करना है बेटा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा दिया है, तो आप लोग कह सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है मार्ज, ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मार्जिनल रेवेन्यू में। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ भी गई हो, समझ में आ भी गई हो सर, आ भी गई हो सर। इस शेड्यूल को देखते बेटा, शेड्यूल को बहुत मजा आएगा।
इस शेड्यूल को देखते हैं, अब यूनिट्स हमको यहां पर दिए हैं, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमको यहां पर टोटल रेवेन्यू दिया है, तो टोटल रेवेन्यू हमको दिया है 10 18 24 28 30 30 28 24 18 and 10। मेरे को एवरेज रेवेन्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द यूनिट्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स, मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो लेकिन मेरे को अगर एमसीक्यू आएगा एट फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट पर माई टी आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, लेकिन वो खाली फर्स्ट यूनिट पर होता है, वो खाली फर्स्ट यूनिट पर होता है। और यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए, मेरा एम आर जो है वो यहां पर नीचे नीचे जा रहा है, जी हाँ नीचे नीचे जा रहा है। एम आर को कैसे ढूंढेंगे, एम आर को कैसे ढूंढेंगे, टी आर 2 माइनस टी आर 1 मुझे यहां पर मिल गया, TR3 माइनस TR2 मुझे यहां पर मिल गया। तो इस तरीके से मैं यहां पर क्या निकालूंगा, इस तरीके से मैं मेरा यहां पर एम आर निकाल सकता हूं, ठीक है। जब मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तब मेरा यहां पर देखना, ये एम आर 0 है, इसके बाद मैंने बेचना नहीं चाहिए, इसके बाद मैंने बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके बाद एक और प्रोडक्ट अगर बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा देखना यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, टोटल रेवेन्यू नीचे जा रहा है। मतलब मैं पहले 30 रुपए कमाता था, अभी 28 रुपए कमा रहा हूँ, वो भी 7 यूनिट्स बेचकर 28 कमा रहा हूँ, पहले मैं 6 यूनिट्स बेच के 30 रुपए कमाता था। तो मैंने अभी यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, जी हाँ मैंने यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। तो आपको बंद कब करना है सेल करना, जब तुम्हारा यहाँ पर टी आर मैक्सिमम हो गया और एम आर यहाँ पर 0 हो गया, यू शुड स्टॉप सेलिंग, राइट। गॉट इट एवरी वन, समझ में आ भी गई, कितना सिंपल है यह। लेकिन एक चीज आपको याद रखने लायक है कि आपका यहां पर हमेशा ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, जी हाँ, तो एम आर हमेशा नीचे होता है, जी हाँ एम आर हमेशा नीचे होता है, ठीक है। गॉट इट एवरी वन, चलो ऑसम। तो भाइयों और बहनों, आई होप दैट आपको ये चीज समझ में आई है अच्छे से एकदम। तो यार इस पर एमसीक्यूज आते हैं कि फर्स्ट यूनिट पर टी आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, टी आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, टी आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। यस गॉट इट एवरी वन, गॉट इट एवरी वन, पहले यूनिट पर दोनों इक्वल है, फिर बाद में ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर, वेन टी आर इज मैक्सिमम एंड एम आर इज 0, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड स्टॉप सेलिंग, यस। उसके बाद क्योंकि मेरा एम आर निगेटिव हो जाएगा, वेन माई एम आर गोज निगेटिव टी आर स्टार्ट फॉलिंग। इस रिलेशनशिप्स पर भी आपको सवाल आ सकते हैं, जी हाँ इस रिलेशनशिप्स पर भी आपको सवाल आ सकते हैं, ठीक है। यस गॉट इट एवरी वन, गॉट इट एवरी वन, समझ में आ भी गई हो, समझ में आ भी गई हो, तो ठीक है। हम लोग यहां पर चलिए एक बार ये अदर मार्केट कर लेते हैं, अदर मार्केट कर लेते हैं, ठीक है। यस ओके ओके ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पोली एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोनी, देखना बेटा एकदम अच्छे से, बहुत मजा आएगा ये याद रखने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज आ जाते हैं और गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, पोली एंड सोनी का। पोली भंजे सेलर, सोनी भंजे बायर, पोली भंजे सेलर, सोनी भंजे बायर, पोली भंजे सेलर, सोनी भंजे बायर, तो डीओ पोली मतलब टू, तो यहां पर क्या होगा, देर आर ओनली टू सेलर्स, देर आर ओनली टू सेलर्स, देर आर ओनली टू सेलर्स, डीओ मतलब दो, और दो यहां पर सेलर्स हो गए, दो यहां पर सेलर्स हो गए, ठीक है। मोनोप सोनी, मोनो मंजे सिंगल, सिंगल सिंगल बायर, मोनो मंजे सिंगल, सिंगल सिंगल बायर, ठीक है। यस ठीक है, यस।
अब देखना बेटा, आपने ओलिगोपोली सुना है? ओलिगोपोली, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली? ओलिगोपोली म्हणजे फ्यू सेलर्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोसोनी? ओलिगोसोनी, ओलिगोसोनी, सोनी मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पर? फ्यू बायर्स. तो फ्यू बायर्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जी हाँ. और इसको आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? फ्यू बायर्स ना, इसको अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. स्मॉल नंबर मतलब फ्यू. तो मैं इसको यहां पर क्या कह सकता हूं? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. ठीक है. और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? बायलैटरल मोनोपोली. बायलैटरल मोनोपोली मतलब सिंगल 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 बायर एंड सिंगल सेलर. तो बायलैटरल मोनोपोली मतलब क्या होता है? सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर. सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर. सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर. ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया. सिंगल बायर सिंगल सेलर. ठीक है, गॉट इट एवरीवन. तो बेटा फिर से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 स्टार मार्क करना इसको. यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत गलत होता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पर गलत हो. ठीक है, हम नहीं चाहते कि बच्चा डागा 10 का बच्चा यहाँ पर गलत होगा. तो बोलिए बच्चा पार्टीज मेरे संग, डागा बबागी एमसीक्यू बबागी. यस. तो बच्चा पार्टी यहाँ पर देखिए, डियोपोली मतलब यहाँ पर टू सेलर्स हैं. मोनोपोली मोनोपसोनी मतलब यहाँ पर सिंगल बायर है. ओलिगोपसोनी मतलब यहाँ पर फ्यू बायर्स हैं. ओलिगोपसोनी मतलब फ्यू बायर्स है, मतलब देर आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. देर आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स. एंड बाइलैटरल मोनोपोली मतलब सिंगल 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 बायर सिंगल सेलर. सिंगल बायर सिंगल सेलर. सिंगल बायर सिंगल सेलर. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ध्यान रखना इसको. ठीक है, तो टू सेलर्स, सिंगल बायर, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर. ठीक है, ये नोट्स आज के अपलोड हो जाएंगे ना टेलीग्राम पर, हो जाएंगे बेटा. प्रांजल प्रांजल बेटा हो जाएंगे. और आप जितना भी हो सके उतने बच्चों को क्या कर देना, सेंड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और हाँ भैया, तुमको मेरे को फॉलो नहीं करना है, तुम किसी भी बच्चों को, तो बिंदास तुम मेरे को फॉलो मत करना. नोट्स लेकर अनफॉलो कर देना, कोई भी टेंशन नहीं है. फुकट में पढ़ो बेटा, फुकट में पढ़ो, सिर्फ पास होना. ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है फॉलो वॉलो करने की. फिर से तुम कहते हो सर वर्ड, वेरी गुड आइडिया. हाँ, अब मैं क्या तुमको घर पर आकर थोड़ी ना नोट्स दे सकता हूँ ना. मेरे जहां पर भी मैं जहां पर भी तुमको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ वहीं पर करूंगा ना. बच्चे इतना गलत गलत समझते हैं ना, मतलब इन बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ऐसा लगता है कभी कभी. ठीक है, यस. तो कोई भी टेंशन लेने का नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा. ठीक है, यस, मेरा दिल बहुत बड़ा है, यस. चलिए, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, आज यहीं पर रुक जाते हैं, कल मिलेंगे दोबारा. लेकिन यस, जाने से पहले बच्चा पार्टी आपसे कहना चाहेंगे, अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपके दोस्त दोस्ती को, रिलेटिव को, आपको अगर इंटरमीडिएट में भी लेना होगा, तो आप लोग बेटा मेरा कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज DAGA10. आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ाते हैं, बेस्ट एडुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं. लेकिन आज तक अगर कोई लेता है सब्सक्रिप्शन, तो उनको बेटा यहाँ पर मिलता है 25% डिस्काउंट. तो आप लोग आपके दोस्त दोस्ती को कह सकते हो, एकाग्रता 2.0 भी अभी आ रहा है, जिसका भी दिसंबर में अटेम्प्ट होगा, उन दोस्तों को तुम बता सकते हो आपके. ठीक है, तुम आपने अपने दोस्तों को बता सकते हो उसके बारे में. और केवल 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप केवल 10,875 में कर सकते हो, 10,875 में, विच इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग. ठीक है, 14,100 16,875 एंड यहाँ पे देखना 19,125 ओनली. सो यू कैन थिंक अबाउट इट. यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इफ यू वॉन्ट एंड यू कैन टेल देम अबाउट इट. ठीक है, सो यहाँ पर 18 मंथ्स का भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लोग देखते हो, तो 18 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपके सामने यहाँ पर देखना, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में, दैट इज 31,942 ओनली, विच इज वेरी रीजनेबल आई वुड से. क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपया बच्चा खर्चा करता है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की क्लासेस पर, लेकिन अन अकेडमी आपको क्वालिटी एजुकेशन एट वेरी लो कॉस्ट दे रहा है. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन. टाटा बाय बाय एंड टेक केयर.